स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिन्हें अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है। स्मिता पाटिल ने न सिर्फ हिंदी बल्कि कई भाषाओं में फिल्मों में काम किया। स्मिता ने अपनी दमदार एक्टिंग के चलते एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। स्मिता को एक्टिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्मफेयर अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। शानदार एक्टिंग के साथ साथ स्मिता पाटिल अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी जानी जाती है। हिंदी सिनेमा में भले ही उनका सफर छोटा रहा हो, लेकिन स्मिता पाटिल ने कई एक्टर्स के साथ काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया जो हिट साबित हुई। साथ काम करते करते स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी सिनेमा जगत से जुड़े दिलचस्प किस्सों का सेगमेंट। आज अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुना हो। ये किस्सा है साल 1982 का, जब अमिताभ बच्चन फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म के सेट पर एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ इस कदर घायल हो गए थे कि वो जिंदगी और मौत की राह पर पहुंच गए। मगर अमिताभ बच्चन की इस भयंकर चोट के बारे में स्मिता ने उन्हें जख्मी होने से एक रात पहले ही बता दिया था। जी हाँ, शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन ये सच है। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात का खुलासा किया। अमिताभ ने बताया था कि इस हादसे का स्मिता पाटिल को पहले से ही अंदेशा हो गया था। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैं एक बार कूली की शूटिंग के चलते बेंगलोर गया था। तभी देर रात करीब 2 बजे होटल में एक फोन आया और रिसेप्शनिस्ट ने मुझे फोन ट्रांसफर किया और पता चला कि लाइन पर स्मिता पाटिल थी। स्मिता के कॉल करने से मैं हैरान था, क्योंकि मैंने कभी उनसे ऐसे समय पर बात नहीं की। ये सोचकर कि ये कोई खास बात होगी, मैंने उनसे पूछा, क्या आप ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी आपके बारे में एक बुरा सपना देखा, इसलिए आपको इतनी रात को कॉल किया। और अगले ही दिन मेरे साथ वो हादसा हो गया। हूबहू ऐसा ही एक और किस्सा है जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि स्मिता पाटिल को अपने साथ होने वाले हादसों का पहले से ही अंदेशा हो जाता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्मिता पाटिल काफी कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गई थी। एक इंटरव्यू में स्मिता पाटिल ने फिल्म मेकर महेश भट्ट से बातचीत के दौरान कहा था कि उनकी जिंदगी जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में जीवन रेखा बहुत छोटी है। क्या आप इसे महज इत्तेफाक कहेंगे? बहरहाल, आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर।